पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 14 से पूर्व पार्षद की पत्नी नीरज उर्फ कविता गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। वर्तमान में कविता गुप्ता भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महानगर उपाध्यक्ष हैं। संगठन में लगातार सक्रियता निभाते हुए संगठन को मजबूत करने का काम कविता गुप्ता करती रही हैं। संगठन में भागीदारी को लेकर ही कविता गुप्ता पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है और वार्ड 14 से भाजपा का पार्षद उम्मीदवार बनाया है। आज कविता गुप्ता ने अपने क्षेत्र में घूमकर जनसंपर्क किया और अपने समर्थन में क्षेत्र के लोगों से वोट मांगे। कविता गुप्ता ने बताया कि उन्हें क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। बहुत अपार समर्थन मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है भैया मुझे, सब अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बना कर रख रहे हैं। बहुत खुश हैं क्षेत्र के लिए। मेरा ये जनता पूरा परिवार है, बुद्धि विहार पूरा क्षेत्र मेरा परिवार है और सभी मेरे साथ पूरा समर्थन में हैं और बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। और मैं इनके लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इनकी हर जो भी इनकी परेशानी हो, कोई भी जरूरत हो, मैं हर पे पूरा उतर सकूं। भाजपा ने आपको मैदान में उतारा, क्या कहेंगे भाजपा के लिए? मैं पूरे संगठन के लिए, शीर्ष नेतृत्व के लिए और सभी अपने भाई बहनों के लिए, सभी ने जो मुझे ये आशीर्वाद दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मैं इसमें पूरी तरह से खरी उतर पाऊँ। और भी कैंडिडेट हैं आपके सामने, उनका कैसे सामना करेंगे, क्या तैयारी है उनका सामना करेंगे? नहीं, जब इतना मुझे पूरे परिवार का प्यार है मेरे साथ में तो किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है मुझे तो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।